नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम कार्तिक महात्म के पंचम अध्याय की चर्चा करेंगे। इस अध्याय में निहित दिव्य संदेश को समझेंगे और इसके महत्व को जानेंगे। हेलो व्यूअर्स, इन टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस द फिफ्थ चैप्टर ऑफ कार्तिक महात्म्य एंड वी विल एक्सप्लोर इट्स डिवाइन मैसेज एंड इट्स सिग्निफिकेंस। नमस्कार दोस्तों, आज हम कार्तिक महात्म के पंचम अध्याय में बताए गए विभिन्न पहलुओं को जानेंगे। यह अध्याय हमें जीवन में धर्म के महत्व, भक्ति की गहराई और आध्यात्मिकता की अनमोलता को समझाता है। इसमें छिपे हुए संदेश हमारे जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। कार्तिक माह में इसका विशेष पाठ अत्यधिक फलदायी माना गया है। टुडे We'll explore various aspects mentioned in the fifth chapter of Kartik Mahatmya. This chapter helps us understand the importance of dharma in life, the depth of devotion, and the value of spirituality. The hidden message in this chapter can guide our lives in new directions. Reciting it during Kartik month is considered especially beneficial. So stay tuned and watch this special video which I am making for you. Prabhu mujhe sahara hai tera jag ke palanhar, Kartik maas mahatm ki katha karu vistar. Ji haan doston, hum aapke liye lekar aaye hain Kartik mahatm ka adhyay 5। आइए कथा का श्रवण करते हैं और इसका लाभ उठाते हैं। दर्शकों, आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आइए सुनते हैं कथा। राजा पृथु बोले, हे नारद जी, अपने कार्तिक मास में स्नान का फल जानना चाहते हैं तो अब आप कहिए इसका फल क्या है और अन्य मासों में विधि पूर्वक स्नान करने की विधि या कार्तिक मास में विधि पूर्वक स्नान करने की विधि क्या है, नियम और विज्ञापन की विधि क्या है, ये सब बतलाइए। देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः यह बात आपको ज्ञात ही है, फिर भी आपको यथाचित विधान बतलाता हूं। आश्विन माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत करने चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव से बाहर पूर्व अथवा उत्तर दिशा में जाना चाहिए। इसके बाद जो मनुष्य मुख शुद्धि नहीं करता उसे किसी भी मंत्र का फल प्राप्त नहीं होता है, अतः दांत और जीभ को पूर्ण रूप से शुद्ध करना चाहिए और निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करते हुए दातुन तोड़नी चाहिए। हे वनस्पतये, आप मुझे आयु, कीर्ति, तेज, प्रज्ञा, पशु, संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि और विद्या प्रदान करो। इस प्रकार उच्चारण करके वृक्ष से 12 अंगुल की दातुन लें। दूध वाले वृक्षों से दातुन नहीं लेनी चाहिए। इसी प्रकार कपास, कांटेदार वृक्ष तथा जले हुए वृक्ष से भी दातुन लेना मना है। जिससे उत्तम गंध आती हो और जिसकी टहनी कोमल हो, ऐसे ही वृक्ष से दंधावन ग्रहण करना चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठी, रविवार को चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में दातुन नहीं करनी चाहिए। तत्पश्चात भली भांति स्नान करके फूल माला, चंदन और पान आदि पूजा की सामग्री लेकर प्रसन्नचित्त व भक्ति पूर्वक शिवालय में जाकर सभी देवी देवताओं की अर्घ्य, आचमनी आदि वस्तुओं से पृथक पृथक पूजा करके प्रार्थना एवं प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करने आए हो, उनका माला, चंदन, तांबूल आदि से पूजन करना चाहिए, क्योंकि देवालयों में भगवान विष्णु को अपनी तपस्या, योग और दान द्वारा प्रसन्न करने से और कलयुग में भगवत गुणगान को ही भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का एकमात्र साधन माना गया है। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, एक बार मैंने भगवान से पूछा, हे प्रभु, आप सबसे अधिक कहाँ निवास करते हैं? इसका उत्तर देते हुए भगवान ने कहा, हे नारद,
मैं वैकुंठ या योगियों के हृदय में ही निवास नहीं करता, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं मैं वहाँ अवश्य निवास करता हूँ। जो मनुष्य चंदन माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं उनसे मेरी ऐसी प्रीति होती है जैसे कि मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। नारद जी ने कहा, शिरीष, धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर, कंदार और कटहल के फूलों व चावलों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। अड़हुल, कंद, गिरीश, जूही, मालती और केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल निर्दिष्ट हैं उन्हीं से उनका पूजन करना चाहिए। पूजन समाप्ति के बाद भगवान से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए, यथा, हे सुरेश्वर, हे देव, न मैं मंत्र जानता हूँ न क्रिया, मैं भक्ति से भी हीन हूँ, मैंने जो कुछ भी आपकी पूजा की है उसे पूरा करें। ऐसी प्रार्थना करने के पश्चात साष्टांग प्रणाम करके भगवत कीर्तन करना चाहिए, श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य उपरोक्त विधि के अनुसार कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वह जगत के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, ताकि आप हमारी नई जानकारी से जुड़े रहें। बेल आइकन जरूर दबा दें। होप यू एंजॉयड द वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू स्टे अपडेटेड विथ आवर न्यू कॉन्टेंट एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन।